तो फोटो खींचा आपका? उन्होंने नहीं, नहीं आप उनका खींच पाए? मैंने राहुल की खींची, राहुल गांधी की मैंने खींची। तो आप कार्यकर्ता है या कॉमन मैन है? मैं नॉर्मल लेडी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तो झारखंड की महिलाएं या झारखंड के लोग क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में या इस यात्रा के बारे में? राहुल गांधी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, जिन्होंने HEC बंद करवाई। अब राहुल गांधी के ऊपर उम्मीद है कि राहुल गांधी HEC को चालू करेंगे। देखिए मैं जो है वो बगैर कोई औपचारिक भूमिका के ऐसे ही जो है डायरेक्ट इनसे शुरुआत की। दरअसल क्या है कि राहुल गांधी इस मंच से अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे, उसके बाद में विधायकों से वहाँ पर ग्रुप फोटो हुआ, वहाँ पर मेल मुलाकात हुई। लेकिन मैं देख रहा था थोड़ा दूर से वहाँ से, और मैं ये काफ़ी उचक करके राहुल गांधी जी का फोटो लेने का प्रयास कर रही थी। तो ये आप तो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता नहीं है, नॉर्मल हूँ, तो ये फिर आपने किसी और नेता का भी फोटो लिया? मैं किसी से नहीं, खाली राहुल मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं राहुल गांधी को देखने हूँ। कांग्रेसी हूँ मैं, इसलिए। कार्यकर्ता है या वैसे दिल से? मतलब मैं दिल से कांग्रेसी हूँ, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करती हूँ। HEC BJP ने बंद की, उम्मीद है राजी ये कांग्रेस वाले राहुल गांधी चालू करेंगे, इसी उम्मीद में। क्या करते हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। तो आपके पड़ोस में जितने महिलाएं रहती हैं या जितने और लोग रहते हैं, क्या बात होती है राहुल गांधी को लेकर के अब और पहले? अब उम्मीद है कांग्रेस आएगी तो हो सकता है, कि उम्मीद है कांग्रेस आएगी तो हो सकता है HEC चालू हो जाए। और किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, थोड़ा सा बताइए। मैं इसके बारे में HEC हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ ये जो कैंपस है HEC का है, तो ये कारखाना पूरा बंद हो गया उसी के लिए। देखिए यही जो है वो एक अलग बात है कि आपको लगता होगा कि हर जगह जो है वो मंदिर का मुद्दा काम कर रहा है या 370 काम कर रही है या और कोई फला मुद्दा काम कर रहा है। राष्ट्रीय मुद्दे वो उनका एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो हर जगह पर नहीं हो सकता है। अब इन्होंने जो है वो 3 बार नाम लिया HEC का, लेकिन मैं नहीं समझ पाया क्योंकि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं बाहर से हूँ, तो मैं नहीं समझ पाया। लेकिन ये अपने उसी मुद्दे पर अड़िग रही, 3 बार बोला इन्होंने कि राहुल गांधी से उम्मीद है कि वो इसको शुरू करेंगे। तो ये एक लोकल लोगों का कनेक्ट होता है, लोकल लोगों का एक अपना एक मुद्दा होता है और उस मुद्दे के लिए लोकल लोग जो है वो लड़ाई लड़ते हैं। और ये समझना होगा उन तमाम पार्टियों को, उन तमाम नेताओं को, कि आप बड़ी बड़ी बातें जरूर करें, लेकिन जो लोकल लोगों की मांग है, डिमांड है, या स्थानीय जो मुद्दा है, उस पर आपकी पहुंच है या नहीं है, उस पर आप बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल है। तो आपने राहुल का यहाँ पर स्पीच सुना, तो आपको लगता है कि जिस तरह से आप जिन मुद्दों का लेकर के जिक्र कर रही हैं, उन्होंने उम्मीद दिलाई कि HEC को अडानी के हाथ नहीं बिकने देंगे, अडानी का नाम नहीं लगेगा इसमें, हम लोग इसको चालू करेंगे। तो ये अब रैलियों में, नेताओं के भाषणों में क्या उतना स्पेस बचा है कि स्थानीय मुद्दों पर भी बात हो सके, या अब केवल और केवल फला नेता ने ये कह दिया और फला नेता का जब भाषण आएगा तो उसका काउंटर आएगा और फला नेता जो है फला नेता को जवाब देते देते अपना भाषण खत्म कर देता है? जब तक यहाँ मनमोहन सिंह की सरकार थी तब तक HEC चली, जब से BJP आई है तब से इन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी बनाओ, कोई कारखाने के सामने स्मार्ट सिटी नहीं होती है। स्मार्ट सिटी बनाने के चलते इन्होंने HEC को बंद कर दिया, सारे मजदूर मैंने वर्कर सब बेघर हो गए, एकदम कोई नौकरी नहीं कुछ नहीं। लेकिन ऐसा भी तो कई बार होता है कि विपक्ष में जब नेता होते हैं तो अक्सर 15 लाख रुपए तक के भी जो है वो वादे कर जाते हैं, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो बातें कुछ और होती हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो वादे किए वो पूरे किए, आज तक जो भी कांग्रेस ने वादे किए सब पूरे किए। तो उम्मीद है आपको कि पूरी लोकल चीजों को लेकर के राहुल से आप लोग जो उम्मीद कर रहे हैं वो पूरी होंगी, जुमला नहीं होंगी? हाँ, जुमला नहीं है, जुमला तो करते ही नहीं है, जुमलेबाज नहीं है। चलिए बस। और ये एक चीज मैं थोड़ा सा और आपसे बस जानना चाहूंगा, फिर उसके बाद में आप चले जाइए चाहे। अभी वाकई लोगों में कुछ जो है वो राहुल को लेकर के समझ बदली है या फिर? बहुत बदली है, बहुत बदली है। उन्होंने देखा है कि राहुल के माने कांग्रेस की सरकार में HEC में कितनी प्रोग्रेस थी और भाजपा आने के बाद कितना। नहीं, राहुल को लेकर के जो पब्लिक डिस्कशन है वो बदला है या पहले की तरह से? नहीं नहीं, बदला है, बहुत बदला। तो पहले क्या डिस्कस होता था राहुल को लेकर के और अब क्या डिस्कस होता है? राहुल पहले ऐसा कुछ नहीं है, राहुल शुरू से ही अच्छे हैं। तो अब आप जो है वो ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं? क्या नहीं ईमानदारी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे ये राहुल को लेकर के पहले पब्लिक डिस्कोर्स में क्या बातें चलती थी, क्या डिस्कस होता था, और अब जो है वो राहुल को लेकर के क्या बातें होती हैं? कोई अंतर आपको लगता है कि राहुल को लेकर के
पब्लिक के बीच में, पब्लिक माइंडसेट में कोई बदलाव आया है? पहले सब राहुल को पप्पू कहते थे, अब पप्पू नहीं कहते। हाँ, यही सुनना चाहते थे। मैं सुनना नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ इस चीज को। क्या वाकई झारखंड रांची तक भी ये बातें हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एटलीस्ट HEC में तो राहुल की बहुत पहुंच है, बहुत मानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारे नाम से क्या करना? नहीं, मैं वैसे ही थोड़ा जानना चाह रहा था। रशपाल कौर। देखिए, अगर मतलब कि शायद कोई अपने मुद्दों को लेकर के इतना अड़िग हो जाए तो शायद फिर उसके मुद्दे मानने ही पड़ेंगे। और आपकी वो साथ में है, साथी हैं आपकी जाने के लिए बुला। तो ये इनकी एक साथी महिला है, वो भी वहाँ पे खड़ी हुई है, वो ये थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे। तो देखिए, अगर कोई अपने मुद्दों को लेकर के ये दूसरे मुद्दे पर बात करने के लिए ही तैयार नहीं है, और अगर सच में पब्लिक अपने मुद्दे को लेकर के इतना अड़िग हो जाए तो शायद फिर माननी पड़ेगी। धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे हो इतनी देर से? मैं सुन रहा हूँ। आपको लग रहा है कि वाकई पब्लिक का माइंडसेट बदल रहा है, लोग मुद्दों पर बात करने लगे हैं? जी बिल्कुल बदल रहा है, लोग मुद्दे पर भी बात कर रहे हैं। और इस बार जो हमारे देश के बेटे हैं राहुल गांधी, उनको हम लोग पूर्ण बहुमत तो देश के बेटे हैं भाई ना, वो हमारे मोदी जी भी तो देश के बेटे ना, वो हमारे ओरिजिनल बेटे हैं, हमारे गरीब के बेटे हैं। मोदी जी खुद गरीब का बेटा बताते हैं। कहाँ क्या किए गरीब के लिए? कुछ तो नहीं किए। हर जगह महंगाई भर दिए, कुछ तो नहीं किए। हर जगह महंगाई। क्या कह रहे हैं आप, अडानी के बेटे हैं? कौन? हाँ, मोदी जी अडानी के बेटे हैं। अच्छा। राहुल व्यक्तिगत नहीं कहना चाहिए। व्यक्तिगत क्या बोलेंगे हम लोग, हाल बुरा है सबका, व्यक्तिगत नहीं बोलेंगे। कैसे बात क्या है HEC के अंदर में, कि HEC के अंदर में सभा हो रही है, HEC कैसे बचे? किसके पास जवाब है? मोदी जी के पास जवाब है कि राहुल जी के पास जवाब है? HEC को कैसे बचाना है, कैसे बचाया जाए बताइए। अब बताए, बड़े बड़े मंत्री नेता मन सारे डिस्कशन कर रहे हैं, इतने पब्लिक है, HEC कैसे बचेगी? मदर इंडस्ट्री नेहरू जी ने जिसको उद्घाटन किया, वो कैसे बचेगी? क्या क्या पॉइंट है ये नेताओं को बताना चाहिए, पहला चीज। उसके लिए क्या करना है पूरे देश के अंदर में, कितने इंजीनियर चाहिए, कितने वर्कर चाहिए, फंड कहाँ से आएगा, कौन फंड देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी, कौन देगी फंड बचाने के लिए? वर्क ऑर्डर इतने हैं, मोदी तो फंड के बिना 20 महीने से वेतन नहीं मिली है, उसकी बात कौन करेगा? मजदूरों को वेतन, भूखे प्यासे बाल बच्चे, स्कूल फीस नहीं जमा हो भाई, इसका सोल्यूशन क्या है? मैं एक शानदार चीज देख रहा हूँ कि रांची के अंदर लोग अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर के कितना मुखर है, और राहुल गांधी से भी डटकर के पूछ रहे हैं कि पॉइंट वाइज बताइए क्या क्या करेंगे आप। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और अगर हर जगह पर कारखाने बंद हो जाते हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं। कोई भी सरकार बनेगी देश के अंदर में, तो इतने बड़े इंडस्ट्री को बचाने के लिए क्या पॉइंट्स हैं, फॉर्मूला क्या है? तो मौजूदा समय में जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, हाँ, उनको भी ध्यान देना है। उम्मीद है या आपको उसी उम्मीद? बिल्कुल बिल्कुल, उनको उम्मीद करना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है करनी। तब तो समय उनको 10 साल मिला। 10 साल क्या, वो 20 साल भी रहेंगे तो अभी HEC में जो स्थिति पैदा हो गई है ना? नहीं तो 10 साल में नहीं कर पाए तो इससे आपको जो है वो नाउम्मीदी हुई है, नाराजगी हुई है? कौन पूछेगा, कौन सरकार, केंद्र सरकार से कौन पूछने वाला है? आंदोलन तो हो रही है, सारे दुनिया तो जान रहे हैं, नहीं तो मोदी, लड़ाई तो हो रही है। मोदी जी 10 साल रहे, मोदी जी अगर नहीं कर पाए, मोदी जी भी आए थे यहाँ, तो मोदी जी भी आए हैं, जाके बिरसा मुंडा के गाँव में गए, इतना सारा काम किए, इतने लोगों को संबोधित किए, कई बार यहाँ प्रभाता ग्राउंड में आए। क्या हुआ, कोई डेवलपमेंट हुआ आपके मुद्दे? डेवलपमेंट अभी तक कुछ नहीं HEC के लिए हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। रोज दिन मीडिया में यही आ रही है कि अभी HEC की पोजीशन बहुत गड़बड़ है। तो फिर कब क्या करेगी यहाँ की पब्लिक, मोदी जी को एक बार फिर से सॉल्यूशन सभी लोगों को मिलवा के बैठाइए और पूछिए सब। हमारे मीडिया वर्ग जो है 20 महीना जो पत्रकार जो सांसद विधायक, मोदी जी आए फिर आप लोगों ने बात नहीं रखी अपनी? एक ही सवाल, मोदी जी के हर दिन एक दिन पेपर जाता है मोदी जी का, लेकिन मोदी जी कुछ कर नहीं रहे, अगर चाहेंगे तो कर सकते हैं। आप कह रहे हैं 20 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, नहीं। और मोदी जी 120 महीने से देश की सत्ता पर हैं, लेकिन HEC को नहीं देख रहे हैं। सत्ता में तो है ही है, लेकिन HEC को देख नहीं रहे हैं। तो 120 महीना से जो सत्ता में है कर सकते हैं, वो 20 महीने की तनख्वाह नहीं दिलवा पाए? नहीं, नहीं दिला पाए। अभी भी चाहेंगे तो दिला सकते हैं, लेकिन अब वो चाहते नहीं है, वो HEC को बेचने चाहते हैं। HEC को बड़े बड़े उद्योग घराने से बेचने चाहते हैं। जिंदाबाद है, जिंदाबाद। तो आप लोगों को किससे उम्मीद है? अब जो हम लोग को अगर
उठा दे एचईसी को, उसी में उम्मीद करेंगे। तो विपक्ष तो जो है वो उठा सकता है या सत्ता उठा सकती है, जो भी उठाएंगे। लेकिन विपक्ष के में तो वो ताकत नहीं होती, वो तो मुद्दा ही उठा सकते हैं। ये तो सरकार में ज्यादा जो है वो ताकत, अभी विपक्ष में जो है वो कैसे उठा सकता है, अभी जो सरकार है वही ना उठा सकता है, वही ना कुछ कर सकता है। यहाँ पे लोकल लोग जो हैं एचएससी की मांग को लेकर के इतना जोर दे करके जो है वो कह रहे हैं, क्या वाकई जो है वो मौजूदा समय में जो सत्ता चल रही है, मैं जैसे कह रहा हूँ कि मोदी जी 60 महीने और 60 महीने 120 महीना हो गया, 20 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं मिल पाई है, लोग अब किस कैसे देख रहे हैं इसको फिर? सर हम एसएससी के बारे में तो नहीं कह सकते क्योंकि हम दूसरे प्रदेश मध्य प्रदेश से हैं। अच्छा। लेकिन मैं स्वयं का मुद्दा बहुत बड़ा मेरा मुद्दा है, मैं बिजनेसमैन था, बिल्डर था, कंट्रेक्टर का काम करता था सिविल वर्क, लेकिन 12 साल मकान छोड़ के अपने बेटे के साथ जान बचा के भाग रहा हूँ, दो भाइयों का मेरा हत्या हो गया है, मेरे मैं हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, सारा प्रारूप आपके सामने है, एक मिनट, कोई सुनवाई मेरा नहीं हुआ। आप रहने वाले कहाँ के? मध्य प्रदेश के। और यहाँ क्या क्या ये आए थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कागज देने के लिए, लेकिन सफल नहीं मिला। ये मेरा सरकार है डबल इंजन की, वहाँ से तो मेरे दो भाइयों की जान चली गई और मैं अपना जान बचा भाग के जान बचा रहा हूँ। ये देखिए हाई कोर्ट और वो का यात्रा तो बहुत लंबी चल रही है, वहाँ देखिए डीजीपी से मैंने मिला, मध्य प्रदेश डीजीपी का रिसीविंग है और हाई कोर्ट का फैसला भी मेरा आ गया, उसमें वो निचले अदालत को भेज दिया, लेकिन मैंने दो भाइयों की हत्या के बाद मैं डर गया और निचले अदालत नहीं गया और मैं झारखंड बिहार और सभी राज्य देश के कोनों में घूम के अपना जान बचा रहा हूँ, क्या करें, सब कुछ मेरा छिन गया। आप मतलब कि वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर? हाँ, 12 साल हो गया घर छोड़े, 12 ईयर, वो मेरा बच्चा अनपढ़ हो गया, 4 साल पढ़ा चौथी तक, 18.5 साल से सरकार है। हाँ, हम सबसे मिले, मुख्यमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, सबसे मिले, कोई सुनवाई नहीं हुआ, डीजीपी से मिले और मान लीजिए हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट का फैसला आ गया, निचले अदालत में भेज दिया गया, लेकिन मैंने असमर्थ हो गया, वहाँ जान सुरक्षा नहीं मिला, सुरक्षा मांग किए थे। कौन सी जगह से आप? मध्य प्रदेश सिंगरौली जिला से, सिंगरौली से। हाई कोर्ट का फैसला भी मेरे पास है। लड़ाई लड़ रहे हैं ये मेरे भाई का, ये मेरा अपील है तो ये दिया गया है, ये देखिए 22/2/2021 को मैंने आवेदन दिया था, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैंने मेरे भाई का दो हत्या हुआ, एक 2005 में, एक 2018 में, इसके बाद मैंने कार्रवाई किया, जब कोई सुनवाई नहीं हुआ तो जान बचाने के लिए प्रदेश छोड़ के भाग गए, अब क्या करें। देखिए सवाल यही है कि नेता मंच सजाते हैं, मंच सजा करके नेता भाषण भी करते हैं और खूब ललकार करके जय जयकार के साथ में बोलते भी हैं और खूब हाहाकार भी होती है, खूब जिंदाबाद भी होती है और खूब मुर्दाबाद भी होती है, लेकिन सवाल मौजूदा समय में ये है कि जनता क्या वाकई इस विवेक के साथ में आगे बढ़ रही है कि अपने मुद्दों को लेकर के अड़िग हो जाना है। रांची में तो कम से कम मुझे यही देखने को मिला, और अगर वाकई रांची में जिस तरह से लोग, जितने लोग यहाँ पर मिले, ये संयोग की बात है या पता नहीं क्या कहें इसको, अगर इसी तरह से लोग हो जाएं तो शायद फिर चाहे राहुल हो, चाहे मोदी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, फिर शायद लोगों के मुद्दे वो हल होते हुए जरूर नजर आएंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।